सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार करें नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो बड़े दिनों के बाद मेरा नया ब्लॉग आ रहा है, तो आज हो रही है तैयारी हमारे घर जाने की, और मैं और मम्मी जी जा रही हैं आज घर कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों तो क्या, मतलब 3-4 दिनों के लिए। और ये मैंने अपना बैग उठा लिया है, और अम्मा जी आए थे हमारे यहाँ रहने के लिए, तो वो भी जा रही हैं। आप सभी सामान को देख के पता लगा ही सकते हैं ये किसका सामान है। ये घर जाना हो तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सामान की पैकिंग तो काना के करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे के साथ उसका सारा सामान साथ में चलता है फिर। और अभी ये अपने पापा के साथ मिल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ मम्मी मैं और अम्मा जी जा रहे हैं घर, और इनकी थी आज नाइट, तो फिर ये यहीं पर रुक गए थे। कान अपने पापा के पास था, तो मैं कर रही थी थोड़ा बहुत सामान की पैकिंग, और जो रह गया था उसको बाहर लेके आ रही थी, क्योंकि हम सुबह जल्दी ही जा रहे थे। और अभी हम सारे बाहर बैग वगैरह रख दिए थे और गाड़ी का वेट कर रहे थे। और अम्मा जी भी यहाँ पे आज बड़े खुश हैं, क्योंकि घर जाने के लिए तो हर कोई खुश होता है ऐसे। तो हम घर के लिए तैयार थे, और पापा जी अपने काम के लिए। सभी को अपनी अपनी भाग दौड़ लगी हुई थी। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मम्मी कहते हैं मेरे को वीडियो में, मतलब मैंने बोला आपकी तो ज़्यादा डिमांड है, आप तो लोग देखना चाहते हैं। मैं तो दिखाना चाहती हूँ, बट कोई आना नहीं चाहते, कहीं को शर्म आती है, कहीं को क्या, तो फिर उस वजह से मैं अकेले ही लगी रहती हूँ। यहाँ पे काना के पापा कर रहे हैं उसको भाई, और थोड़ा सा सामान था वो गाड़ी में रखवाया, उसके बाद कुछ सामान था अम्मा की दुकान का, वो हम भूल गए थे, तो उस पापा जी उसको लेके आ रहे थे पीछे से। और यहाँ पे हम चल पड़े घर की तरफ। फाइनली हम पहुंच गए हैं ऊपर घर रजनी, और मम्मी के गए साइड घर की साफ़ सफाई करवाने के लिए, और मैं और गाना भी यहीं पर साफ़ सफाई हो जाएगी, तो उसके बाद लेके जाएंगे। तो अभी किचन का काम ख़त्म करके आ गई हूँ मैं यहाँ अंदर घर के, और मम्मी जी लगे हैं बाहर सफाई वगैरह करवा रहे हैं, आंटी से खुद भी लगे हुए हैं बाहर। इतने ज़्यादा फिसलन है कि बुरी हालत है, पूरा ग्रीन ग्रीन और ब्लैक ब्लैक हो गया है। और खाना को मुझे लगा इसको नींद लगी है, तो मैं सुसलाने के लिए आया हूँ कि, बट इसके तो मज़े लगे यहाँ पे घूम घूम के, कभी एक कमरे में कभी दूसरे कमरे में, यहाँ पे थोड़ा खुला डुला है तो घूमने और चलने का पूरा मज़ा आया है यहाँ पे। अब आए हैं तो 1-2 दिन रहेंगे और उसके बाद जाएंगे। आपको तो पता ही, अगर घर बंद रहे तो कितनी बुरी हालत हो जाती है। आप देख सकते पीछे पब्लिक इतनी ज़्यादा निकल आई है। तो आज मम्मी ने सारे बिस्तर वगैरह भी बाहर निकाले हुए हैं, और सारे घर की सफाई वगैरह करवाई, झाड़ू पोछा। अब देख ही लो बाहर सारे बिस्तर वगैरह बाहर रखवा दिए। ये कहाँ है, ये कौन है, घूमी घूमी कर रही हूँ। अभी तक हमारे यहाँ पर आम लगे हुए हैं, देख सकते हो आप, और देख लो कितनी ज़्यादा फिसलन हो गया यहाँ पे ना रहने की वजह से। सारा सामान निकाला है बाहर, पर बारिश का कोई पता नहीं है कब मौसम ख़राब हो जाए। और मम्मी जी लगे हैं साफ़ सफाई के लिए, और मेरे को ये ड्यूटी दी है कि तो काना को संभाल के रखना, गिरे ना। पकड़ो 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 आगी। लंच करने के बाद मैंने यहाँ पे किचन की कर दी थी साफ़ सफाई, और काना तो अभी सो गया था, और इतने देर मैंने सोचा अभी बर्तन वगैरह धो ही लेती हूँ, क्योंकि बाद के लिए काम रखना, और साथ में साफ़ सफाई भी कर दी थी, और इसके बाद मैं भी चली जाती हूँ रेस्ट करने के लिए।
एक दो दिन हो गए थे आए हुए, और आज हम मेरे हस्बैंड जी भी आए थे ऊपर, तो मैंने बच्चा उनके पास दिया और मम्मी को बोले कि मेरे को थोड़ा घुमा लाओ। और हमारे घर से तो कुछ भी नहीं दिखता, ये व्यू सुमलियों का, खैरी का, और ये नीचे जो गांव है, तो ऊपर हमारे घर के ऊपर, हमारे घर के जो पीछे घर थे वहाँ गई थी, वहाँ से सारा व्यू दिखता है। आप देख सकते हो नीचे वाला गाँव और ऊपर के जो पहाड़ के ऊपर जो गाँव है वो सब कुछ दिख रहा था। यहाँ के थोड़ा मूड भी ऐसे अच्छा हो गया था, वैसे तो मैं बोर हो गई थी अकेले वहाँ पे नीचे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी हो रही है हमारी 3 दिनों के बाद घर की वापसी नीचे, तो सुबह सुबह होगी है बैग की पैकिंग वगैरह, और सारे खिड़की दरवाजे बंद, सारा सामान रख लिया है, और बस गाड़ी का वेट कर रहे हैं, उसके बाद निकल जाना है। जाने से पहले थोड़ी कुलदेवी की माथा टेक करते हैं, तो उसके पापा का वेट कर रहे हैं, वो आएंगे तो हम चलेंगे। बैग वगैरह रख दिए हैं, बस वेट करते हैं गाड़ी वाले भैया का। ये रही हमारी अम्मा जी की दुकान। और ये शिव जी का मंदिर। चलो से पहुंचने के बाद मैं होगी रेडी अपने मायके जाने के लिए, मुझे थोड़ा सा काम है वहाँ पे, और अभी यहाँ पे बस का वेट कर रही हूँ, पर अभी तक आई नहीं है, पता नहीं आएगी भी ही नहीं। गाड़ी में बैठी हूँ पर गर्मी से बुरी हालत है। बस तो आई नहीं, कितनी देर वेट किया, और फिर पापा ही आए छोड़ने। उन्होंने पहले बोला था कि मैं छोड़ आता हूँ, तो मैंने बोला था कि नहीं मैं 11 बजे वाली बस में चली जाऊँगी, और बस जो है वो आई नहीं इतनी देर वेट करने के बाद गर्मी में। और फिर अभी ये पहुँच गई हूँ शेरपुर के सामने, और नीचे उतराई उतर रही हूँ। मैंने यहाँ अपने डैडी को बुलाया है कि मेरे को लेने आ जाना, ऐसे दिन के टाइम कोई होता भी नहीं है तो डर लगता है, और सुनसान सा रास्ता होता है, इसलिए मैंने डैडी को बुला रखा है। वो पुल की दूसरी साइड पहुंच गए हैं, मैं भी पहुंचने वाली हूँ, बस थोड़ी सी ये रहा पीछे। उतरा ही उतरने में तो 2 मिनट ही लगते हैं, बट जब वापस आऊँगी तब लगेंगे मेरे को 5-6 मिनट धूप में। और ये पहुंच गई मैं पुल के पास, अभी ठंडी ठंडी हवा है यहाँ पे, तो ठंडी ठंडी हवा सिर्फ पुल के पास ही होगी, बाकी तो नहीं। आ रही है ठंडी ठंडी मजेदार। हवा मेरा छत उड़ गया था, बच गया। दूसरी साइड डैडी यहाँ पे, यहाँ पे कर रही हूँ मैं दादाजी को बाय। उनको लगा कि फोटो ले रही हूँ, पर मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी जाने के बाद, अभी वापसी का टाइम था मेरा। और जाते टाइम भी मेरे को मम्मी डैडी आए थे छोड़ने के लिए। देख लो सारे गांव की गलियां पक्की हो गई हैं टाइल्स वगैरह पड़ के, और काफ़ी सुंदर भी लग रही थी। पानी
300 रुपये ज्यादा दिखता है ना। डिश वाड़ेंगे।